कोरोना संक्रमण, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू सहित अन्य बीमारियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई को प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में 17 जुलाई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया कि पूरे प्रदेश के 7 जिले में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें साफ सफाई के अलावा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाकर कराया जाएगा तथा डोर टू डोर सर्वे भी कराया जाएगा। इसके अलावा 3 थाना क्षेत्र राजघाट, तिवारीपुर, कोतवाली में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की गहराई से जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी के विजयन पांड्या ने लोगों से अपील किया कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई असुविधा नहीं होगी, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर टू डोर कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि घर से बाहर न निकलें, आपके सहयोग की ज़रूरत है, सरकार का साथ दीजिए और कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, शासन ने तो डिक्लेयर किया है, देखिए हमने शासन ने 10 तारीख रात से लेकर के 13 तारीख सुबह तक चलेगा ये लॉकडाउन। खासतौर पे 2 दिन हम लोग को वक्त मिला है, 54 घंटे, उसी के अंदर हम लोग पूरा सफाई करेंगे, जाँच करेंगे और जो कितने कितने लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में छुटे हुए हैं उन्हीं लोग का कैंप लगाया जाएगा और उन लोग का और डोर टू डोर जाकर के हम लोग सर्वे करेंगे और कहाँ किस इलाके में ज़्यादा है उसी का हम लोग कुछ दिन एक्सटेंड करेंगे, यानी जो 13 तारीख के बाद और 4 दिन हमें चाहिए होगा। खासतौर पर 3 थाना क्षेत्र है, यहाँ कोतवाली का है, तिवारीपुर का है और राजघाट थाना क्षेत्र का है, अक्सर यहीं ज़्यादा केस निकली है, करीब 30-40 केस हो गया है, लगातार निकल भी रहा क्लस्टर में, इसलिए हम लोग और गहराई से सीरियसली जाँच कराना होगा, इसलिए तो हम कैंप लगा करके वहाँ भी करा रहे हैं। जनता से मेरा अपील है, आपको कोई असुविधा नहीं रहेगा, वैसे आवश्यक चीज़ें सारे मिलेगा आपको, जो दवा के लिए और एम्बुलेंस सेवाएं, मेडिकल सेवाएं तो रहेगी, और आपसे अपेक्षा है तो घर से बाहर मत निकालिए, ताकि इसी क्षेत्र में कोरोना कहीं ना कहीं है और बढ़ती भी जा रही है, ये बिना आपको सहयोग से हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और कितने बार कहने के बाद भी तो फिर लॉकडाउन का वायलेशन हो रहा था और तमाम चीज़ हो रहा था, उसी लापरवाही की वजह हम लोग इस स्थिति पर है। मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये सरकार के साथ दीजिए, ताकि ये महामारी है, अब तक बहुत लोग उस पर गवाह दे चुके हैं अपने जान को, और मैं चाहता हूँ और किसी के ऊपर ये ना आ जाए, आप सुरक्षित रहें, घर का अंदर ही रहें, हमें सहयोग करें।